हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं AY अकेडमी। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 12th क्लास की जो फर्स्ट पोएम है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, उसके क्वेश्चन आंसर, और यहां पर हम इनको डिस्क्राइब करेंगे हिंदी में। मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि 12th क्लास की जो जनरल इंग्लिश है उसकी जो फर्स्ट पोएम है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, उसका हमने वीडियो पहले अपलोड किया हुआ था और हमने उसका ट्रांसलेट किया था हिंदी में। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, यदि आपने पोएम को अभी तक नहीं समझा है तो नीचे लिंक में जाके आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और इस पोएम को समझ सकते हैं, और इसके पश्चात आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि क्वेश्चन आंसर को आप समझ सकें। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर देखें कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, व्हाट मैसेज डू दोज हु आर आवर नियरेस्ट गिव अस। व्हाट मैसेज, क्या संदेश डू दोज उनको, हु आर आवर नियरेस्ट, जो हमारे सबसे करीब हैं, गिव अस, हमें क्या संदेश देते हैं। व्हाट मैसेज डू दोज, वो हमें क्या संदेश देते हैं जो हमारे सबसे करीब हैं। तो ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए कि ये जो आंसर है, दे गिव द मैसेज, वे हमें संदेश देते हैं, टू लिसन देम, कि उन्हें सुना जाए, अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक, विदाउट बॉदरिंग, व्हाट आर देयर वर्ड्स, विदाउट बॉदरिंग व्हाट आर देयर वर्ड्स, ना कि इस बात पर ध्यान दिया जाए कि उनके शब्द क्या हैं, वो क्या बोलते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमारे जो सबसे करीब हैं, और यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारे जो सबसे करीब होते हैं वो हमारी फैमिली होती है, हमारे मित्र होते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो लोग हमसे सबसे करीब हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि लोग हमें ध्यानपूर्वक सुने, ना कि हमारी, हमने जो उनसे बातें करी हैं उन पर वो गलतियाँ निकालें। दे वॉन्ट अस टू बी ए गुड लिसनर, दे वॉन्ट, वे चाहते हैं कि हम एक अच्छे श्रोता बने। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये इसका आंसर था। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो है, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, वो लोग कौन हैं जो हमसे दूर हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, द ओप्रेस्ड, फॉरगॉटन, सफरर्स एंड द एंगेज्ड पर्सन्स आर फार फ्रॉम अस। ओप्रेस्ड का मतलब होता है दबे हुए, फॉरगॉटन मीन्स ऐसे लोग जिनको हमने भुला दिया है, सफरर्स मीन्स होता है पीड़ित लोग, एंड द एंग्वेस्ड पर्सन्स, और जो दुखित लोग हैं, आर फार फ्रॉम अस, वैसे लोग हमसे दूर हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये इसका सिंपल सा आंसर है, ऑप्रेस्ड मीन्स दबे हुए, फॉरगॉटन मीन्स भुला दिए गए, सफरर्स मीन्स होता है पीड़ित लोग, एंड द एंग्वेस्ड पर्सन्स, जो कमज़ोर लोग हैं, जो एंग्वेस्ड, जिन्हें बुरी नज़रों से देखा जाता है, खासकर पदलित कह दें या बहुत दुख में दबे हुए हैं, ऐसे लोगों को एंगेज्ड पर्सन्स कहा जाता है, आर फार फ्रॉम अस, वो लोग हमसे दूर हैं। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है वो आप यहाँ पर देखेंगे, होम डज द पोइट विश टू ट्रस्ट, कभी किन पर विश्वास करने के लिए कहता है, किनको, और डज द पोइट, पोइट माने कभी, विश माने इच्छा करता है, आशा करता है, टू ट्रस्ट मीन्स विश्वास करना, तो कभी किन पर विश्वास करने के लिए कहता है। तो यहाँ पर आप देखें आंसर, द पोइट वॉन्ट्स टू ट्रस्ट द इनर वॉइस, कभी कहता है कि हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ में विश्वास करना चाहिए, दैट वॉन्ट्स अस अगेंस्ट ए सिनफुल डीड, जो हमारे पापपूर्ण कृत्यों के प्रति हमें सचेत करते हैं, चिताते हैं, वॉन्ट्स मीन्स होता है चिताना, आपने यदि वर्ण में ING लगा देते हैं तो हो जाता है वार्निंग, और जिसका भावार्थ आप जानते हैं कि चेतावनी देना होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखें, द पोइट वॉन्ट्स टू ट्रस्ट द इनर वॉइस दैट वॉन्ट्स अस अगेंस्ट ए सिनफुल डीड, यहाँ पर कभी चाहता है विश्वास करना अपने अंतरात्मा की आवाज़ में, दैट वॉन्ट्स अस अगेंस्ट ए सिनफुल डीड, जो हम कोई भी गलत काम करते हैं, कोई भी पाप करते हैं, तो अंतरात्मा की जो आवाज़ है वो हमसे कहती है कि आप ऐसा काम मत करिए, यानी कि वो हमेशा क्या गलत है क्या सही है स्पष्ट करके बता देती है और हमें चेताती है कि इस गलत काम को मत करो। कंसाइंस ऑफ द इनर वॉइस, हमारे अंतरात्मा की जो चेतना है, अंतरात्मा की आवाज़ की जो चेतना है, आल्सो डिस्टिंग्विशेस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, वो हमें भेद करके बता देती है कि क्या सही है, सही और गलत के बीच में भेद करके भी बताती है कि ये काम सही है और ये काम गलत है, कौन सा काम हमें करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। तो कंसाइंस में होता है चेतना, ऑफ द इनर वॉइस, इनर वॉइस का मतलब होता है आंतरिक आवाज़,
और डिस्टिंग्विशेस का मतलब होता है अंतर बताना या भेद करना, बिटवीन माने बीच में, राइट माने सही एंड रॉन्ग माने गलत। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आप देखिए, व्हेन डज द पोएट विश टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड, कभी कब कहता है ईश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए कभी, व्हेन डज द पोएट, यहाँ पर कभी कहने का मतलब है कि हमें ईश्वर की आवाज़ को कब सुनना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, द पोइट वॉन्ट्स टू लिसन टू गॉड्स वॉइस, कभी चाहता है कि हम ईश्वर की आवाज़ को सुने, इन विजीनेस एंड बोर्डम, जब हम व्यस्त हों, एंड बोर्डम, बोर्डम का मतलब होता है कि जब हम बोरिंग महसूस कर रहे हों, हमारे किसी चीज़ में मन न लगता हो, तब भी हम ईश्वर की आवाज़ को सुने, अंतरात्मा की आवाज़ को सुने। सर्टेनिटी, जब हम निश्चितता की स्थिति में हो, एंड इन डाउट, या हम कभी संदेह की स्थिति में हो, शंका की स्थिति में हो, तब भी हमें ईश्वर की आवाज़ को सुनना चाहिए। इन साइलेंस एंड इन नॉइस आल्सो, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब शांति हो और या शोर हो, उस समय भी हमें ईश्वर को याद करना चाहिए और ईश्वर की जो अंतरात्मा की आवाज़ है उसको हमें सुनना चाहिए। तो यहाँ पर गॉड्स वॉइस का जो भावार्थ है वो कहा जा रहा है कि इनर वॉइस यानी अंतरात्मा की आवाज़ ही ईश्वर की आवाज़ है। तो कभी कहता है कि हमें अपनी जो गॉड्स वॉइस है, अंतरात्मा की आवाज़ है, उसे कब कब सुनना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं बहुत से लोग बोलते हैं, भाई हम तो बिजी थे, भगवान को याद नहीं कर पाए। यहाँ पर कभी कह रहा है कि जब आप बिजी हों तब भी ईश्वर को याद करें, ईश्वर की आवाज़ को सुने, ईश्वर आपसे क्या कह रहा है। एंड बोर्डम, जब आपको किसी चीज़ में मन ना लगता हो, हवा ऊपर महसूस हो रहा है, तब भी आपको ईश्वर की आवाज़ को सुनना है, यानी अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है। सर्टेनिटी एंड इन डाउट, आप देखते हैं जब व्यक्ति शंका में होता है तो भगवान को याद करता है कि भगवान मुझे एक सही रास्ता बताइए। या सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब होता है जब हम किसी काम को कर लेते हैं, पूर्णतः निश्चितता की स्थिति में होते हैं, उन्नति कर रहे होते हैं, तब भी हमें पोइट कहता है कि हमें भगवान की आवाज़ को सुनना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग घमंडी हो जाते हैं, जिन्हें सफलता मिल जाती है कि अरे भाई भगवान तो कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर कभी कहता है कि जब आप सफल हों तब भी ईश्वर को याद करें, क्योंकि सामान्य तौर पर जो इंसान होता है वो बहुत ही सेल्फिश प्रकृति का व्यक्ति होता है, स्वार्थी प्रकृति का व्यक्ति होता है, जब उसके साथ में समस्याएँ होती हैं तभी ईश्वर को याद करता है। इस तरह वो कहता है कि जब साइलेंस, जब शांति आपको महसूस हो रहा है, जब शांति हो या चारों तरफ शोर हो, तब भी आपको ईश्वर की आवाज़ को सुनना है। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सपोज द होपलेस, यहाँ पर आप आशाहीन से क्या समझते हैं। व्हाट डू यू सपोज, व्हाट डू यू सपोज का मतलब होता है मानना। तो आप यहाँ पर होपलेस, होपलेस का मतलब होता है आशाहीन से आप क्या समझते हैं। द फॉरगॉटन द एंग्वेस्ट वॉन्ट टू टेल अस, होपलेस जो आशाहीन लोग हैं, जिन्हें भुला दिए गए हैं, और जो दुखित लोग हैं, प्रदलित लोग हैं, सताए हुए लोग हैं, एंग्वेस्ट मीन्स वॉन्ट टू टेल अस, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखें, होपलेस, फॉरगॉटन एंड द एंग्वेस्ट होप एंड एक्सपेक्ट अस टू रीच देम, वे हमसे आशा करते हैं और आकांक्षा रखते हैं कि हम उन तक जाएं, उनके पास पहुँचें, एंड लिसन टू देयर प्लिया, और उनकी क्या समस्याएं हैं उनको हम सुने। आई सपोज सो, पोइट कहता है मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें ये काम करना चाहिए जो होपलेस हैं, आशाहीन हैं, भुला दिए गए हैं। एंड द एंग्वेस्ट होप, एंग्वेस्ट का मतलब होता है कि जो लोग सताए हुए व्यक्ति हैं, होप एंड एक्सपेक्ट, वो लोग आशा करते हैं और अपेक्षा करते हैं अस टू, हमसे टू रीच देम, कि हम उनके पास जाएं, एंड लिसन टू देयर प्लिया, प्लिया का मतलब होता है दुख या कष्ट, हम उनके कष्टों को सुने। आई सपोज सो, कभी कहता है मैं ऐसा मानता हूँ। आगे यहाँ पर देखें जो सातवां क्वेश्चन है वो है, हाउ कुड लिसनिंग टू इनर वॉइस बी हेल्पफुल, अंतरात्मा की आवाज़, किसी की भी अंतरात्मा की आवाज़ कैसे मददगार हो सकती है। अंतरात्मा की, कोई भी व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर कैसे मदद प्राप्त कर सकता है, या कैसे मददगार हमारी जो अंतरात्मा की आवाज़ है वो किसी व्यक्ति की कैसे मददगार हो सकती है, इस क्वेश्चन का ये भावार्थ है। तो यहाँ पर देखें, कंसाइंस ऑफ इनर वॉइस, हमारी जो अंतरात्मा की आवाज़ है उसकी जो आत्मचेतना है, प्रिवेंट्स अस टू डू एनी सिंफुल एक्ट,
वो हमें प्रिवेंट्स का मतलब होता है रोकना, अस माने हमें, टू डू एनी सिनफुल एक्ट, कोई भी गलत काम करने से हमें रोकती है, हमारी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, जो अंतर चेतना की आवाज़ है, वो हमें कोई भी गलत काम करने से रोकती है। ऑल्सो बाई डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, और हमें ये बताती है कि क्या सही है क्या गलत है, इसमें भेद करके भी हमें बताती है। इट हेल्प्स ए पर्सन एंड मेक्स हिम पियस, यह एक इंसान की मदद करती है, एंड मेक हिज पियस, और उसे शुद्ध और पवित्र बनाती है। पियस का मतलब होता है, सामान्य तौर पर इसको पायस पढ़ा जाता है, और पायस का जो भावार्थ होता है वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है, तो ये इसका भावार्थ है। यहाँ पर आप देखें कंसाइज में आत्मचेतना, इनर वॉइस का मतलब होता है आंतरिक आवाज़, जो अंतरात्मा की आवाज़ है। प्रिवेंस मीन्स होता है रोकना, सिनफुल मीन्स होता है पापपूर्ण, एक्ट माने कार्य, आल्सो माने भी, और डिस्टिंग्विशेस का मतलब होता है भेद करना, बिटवीन माने बीच में, राइट माने सही, रॉन्ग माने गलत, हेल्प माने मदद करना, पर्सन माने लोग, मेक्स माने बनाना, हिम माने उसे, पायस मीन्स होता है पवित्र। तो यहाँ पर हमारे जो अंतरात्मा की आवाज़ है, वो जब भी हम कोई काम करते हैं, तो यदि वो गलत काम है तो हमारे अंतरात्मा की आवाज़ बोलती है कि आप इस काम को मत करो, ये काम आपको नहीं करना चाहिए। अच्छे काम को करने के लिए हमारे अंतरात्मा बोलते हैं कि हाँ फला फला व्यक्ति की आपको मदद करनी चाहिए। तो ये फ्रेंड्स इसका भावार्थ था। आगे यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, और ये है ओवरऑल मूड, यानी कि इसका जो पूरा सारांश है इस पोएम का, वो हमें यहाँ पर देना है। व्हाट इज़ द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम, इस कविता का सारांश क्या है वो यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, दिस ब्यूटीफुल पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर। यहाँ पर आप देखते हैं कि यह एक सुंदर पोएम एक प्रार्थना का रूप है, प्रार्थना के रूप में है। इट टेल्स अस टू बी ए गुड लिसनर, जो हमें एक अच्छा श्रोता बनने के लिए कहती है। वी शुड हीयर द वॉइसेस ऑफ सफरर्स, कहा जा रहा है कि हमें जो दुखित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, सफरर्स में होता है पीड़ित लोग, और डाउन ट्रोडन का मतलब होता है जो पददलित हैं, जो बहुत नीचे जा चुके हैं, पढ़ाई लिखाई में भी अनपढ़ हैं, उनके पास में खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, उनको हम डाउन ट्रोडन कह सकते हैं। जो जिनके पास में घर भी नहीं है, वो डाउन ट्रोडन उनको कहा जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, कभी कह रहा है, वी शुड, हमें हीड माने होता है सुनना, द वॉइस ऑफ सफरर्स, पीड़ितों की आवाज़ को सुनना चाहिए, एंड डाउन टू डन, और ऐसे लोग हैं जिनके पास में कुछ नहीं है, पद दलित हैं, उनकी आवाज़ को भी हमें सुनना चाहिए। वी शुड नेवर इग्नोर आवर इनर वॉइस, यहाँ पर कह रहा है हमें अपने अंतरात्मा की आवाज़ को कभी भी नकारना नहीं चाहिए। इग्नोर का मतलब होता है नकारना। एज इट इज ऑलवेज विथ अस, क्योंकि यह है हमेशा हमारे साथ होती है। ऑलवेज का मतलब हमेशा, विथ अस माने हमारे साथ, एंड वार्न्स अस, वार्न्स अस, और हमेशा हमें चेताती रहती है अगेंस्ट द रॉन्ग डीड, जो भी हम गलत काम करते हैं वो हमेशा हमारे अंतरात्मा की आवाज़ है, वो हमें चेताती रहती है कि ये काम गलत है, इस काम को नहीं करना है। फाइनली द पोइट वार्न्स, अंततः कभी चाहता है टू लिसन टू गॉड्स वॉइस, ईश्वर की आवाज़ को। हु इज ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वज्ञ, जो हर जगह विद्यमान है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। हमें ईश्वर की आवाज़ को सुनना चाहिए। हु इज ओमनीपोटेंट, जो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानता है, एंड सोज एस द राइट पाथ, और जो हमें सच्चा रास्ता दिखाता है। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये इसका भावार्थ था, और एकदम सिंपल है और ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। भले ही आपको यहाँ पर इस मोबाइल में आपको जो आंसर है वो थोड़ा हो सकता है बड़े दिख रहे होंगे, क्योंकि इनका जो फॉन्ट है वो थोड़ा साइज में बड़ा है, लेकिन इसको जब आप कॉपी में अपने फेयर में लिखेंगे तो लगभग 2 से 2.5 लाइन में ही कवर हो जाएगा, जो एकदम छोटा आंसर है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप देखते हैं कि ये फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर थे, इनको हमने डिस्कस कर दिया है। मैं फ्रेंड्स आपको बता दूँ कि हमारे जो वीडियोज़ हैं उनके बारे में आप अपने मित्रों से शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति इनकी मदद ले सके, और इससे हमारी भी मदद हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही हमें कम्युनिटी टैब मिल जाता है हम आपसे सीधे संपर्क कर पाएंगे, मैसेज के माध्यम से आप भी जान पाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि यदि कभी हम वीडियोस नहीं डाल पाते हैं तो हो सकता है आपको इंतज़ार रहता हो कि हम क्यों नहीं डाल रहे हैं। यदि कम्युनिटी टैब आ जाता है, अभी आप देखते हैं हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो हैं कुछ 750 करके हैं, तो 1000 सब्सक्राइबर हमारे पहुँचाने में आप मदद करें, उसके बाद हम कम्युनिटी टैब के माध्यम से आपसे लगातार संपर्क करते रहेंगे, और जो भी हम आगे क्या कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी
देते रहेंगे, तो इससे आपकी भी मदद हो जाएगी और हमारी भी मदद हो जाएगी और आपको लगातार वीडियोज अपलोड होते रहेंगे। तो ये फ्रेंड्स जानकारी थी और आप इतना तो आप मदद कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।